कैथल में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य कैथल की अग्रसेन धर्मशाला में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए एकजुट होने का संदेश दिया और निकट भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, चाहे वे ब्लॉक समिति के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे ग्रामीण पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद के हों, सभी चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। और ये भी कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि सत्ता हासिल करना हमारा मकसद नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ताकि स्वच्छ छवि के लोग सत्ता में आए और भ्रष्टाचार दूर हो। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि दिल्ली के मॉडल को दिल्ली की जनता ने पसंद किया और वह 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने जनता से एक ही अपील की थी, अगर मैंने जनता के लिए कुछ काम किया है तो वे मुझे वोट दे, वरना वोट मत दे, और जनता ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। मोदी अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अमित शाह ने कहा था कि बटन इस तरह से दबाना कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे, लोगों ने उनकी इस बात को नकार दिया और दिल्ली के लोगों ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को ना स्वीकार करते हुए काम को वोट दिया। हरियाणा के अंदर पंचायत के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव अभी होने वाले हैं। ऑलरेडी सरकार लीड कर चुकी है, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज कैथल के अंदर हम कार्यकर्ताओं से ये बात चर्चा करने के लिए आए कि किस प्रकार मजबूती के साथ ये चुनाव लड़े जाए। आम आदमी पार्टी सभी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ेगी, पंचायती राज के चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, ब्लॉक समिति के हों, जिला परिषद के हों, स्थानीय निकाय के हों, नगर पालिका के हों, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज मैं कैथल में आया हूँ। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है और एक ईमानदार व्यक्ति, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हम इस चुनाव के अंदर उतारेंगे। हमारा उद्देश्य सत्ता पे कब्जा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है व्यवस्था को परिवर्तित करना। और जब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार दिल्ली में संघर्ष करके तीसरी बार सरकार बनाई है, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को इतना पसंद किया कि चुनाव के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश, पूरी देश की सरकार और राज्यों की सरकारें लगी रही। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट नहीं देना। लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया। जो बात अमित शाह ने कही कि शाहीन बाग तक आवाज जाए इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट वहां पहुंचे, उस करंट को लोगों ने नजरअंदाजी किया। हिंदू और मुसलमान के खेल के बीच में दिल्ली के लोग नहीं फंसे और काम की राजनीति को पसंद किया। और वही दिल्ली मॉडल जहाँ पे अच्छी शिक्षा है, अच्छी चिकित्सा का प्रबंध है, बिजली पानी मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा DC रेट मिनिमम मजदूरी है, उस दिल्ली मॉडल को हम हरियाणा में लेकर आना चाहते हैं ताकि हरियाणा के युवकों को रोज़गार मिले, हरियाणा की महिलाएं भी सम्मान के साथ बाहर घूम सके।